Hello everyone. In this video, I'm trying to cover weekly updates of important news from PIB, because PIB is really very important for the prelims, we know. So only the important news will be there, okay? And this would be weekly. So it's from 8 July to 15 July, and the first news is 17th World Sanskrit Conference. It was basically inaugurated as 17th World Sanskrit Conference, and it was held at Vancouver, Canada, and 9th July se 13 July tak ye jo hai conference hui hai. And World Sanskrit Conference hai, to delegates from over 40 countries unhone isme participate kiya conference mein, and they exchange their knowledge obviously with respect to Sanskrit. Okay, ये जो कॉन्फ्रेंस हुई है इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस है टू प्रमोट, प्रिजर्व एंड प्रैक्टिस द संस्कृत लैंग्वेज ऑल ओवर द वर्ल्ड बाय द पीपल. संस्कृत लैंग्वेज को कैसे प्रमोट करना है, प्रिजर्व करना है और कैसे प्रैक्टिस किया जा सकता है. एंड वर्ल्ड संस्कृत कॉन्फ्रेंस जो है वो एक्चुअली अलग अलग कंट्रीज में होती है अक्रॉस द ग्लोब, एंड ये 3 साल में एक बार होती है, एवरी 3 ईयर्स. ठीक है, 3 साल में एक बार होती है, एंड अभी तक इंडिया में ये 3 बार हो चुकी है. तो ये हो गया आपका वर्ल्ड संस्कृत कॉन्फ्रेंस. ओके, नेक्स्ट है दैट पीएम एंड कोरियन प्रेसिडेंट इन्होंने इनॉग्रेट किया मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी. फाइन, वेट अ सेकेंड. ओके, सो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी कहाँ पे इनॉग्रेट की गई है? यूपी में, नोएडा में इनॉग्रेट की गई है. एंड तो ऑब्वियसली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड प्रेसिडेंट ऑफ रिपब्लिक ऑफ कोरिया दैट इज साउथ कोरिया मिस्टर मून जे, इन्होंने इनॉग्रेट किया है मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी ऑफ सैमसंग इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड एट नोएडा इन उत्तर प्रदेश. एंड प्राइम मिनिस्टर ने कहा दैट इन्वेस्टमेंट ऑफ अबाउट 5000 करोड़ वुड नॉट ओनली, मतलब 5000 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट है इससे ना सिर्फ सैमसंग का बिजनेस जो लिंक्स हैं इंडिया के साथ में वो स्ट्रेंथन होंगे, बट इंडिया और कोरिया के बीच की जो रिलेशनशिप है वो भी इससे स्ट्रांग होगी. ठीक है, तो ये है विद रेस्पेक्ट टू द मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी. एंड एक चीज और ये भी है कि ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है यहाँ पे फैक्ट्री ये बनेगी नोएडा यूपी में. नेक्स्ट है दैट ओके या मिस्टर एम वेंकैया नायडू. फाइन, ये पहले ऐसे चेयरमैन बन गए हैं राज्यसभा के जिन्होंने किसी कंट्री के साथ में कोई एमओयू, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है ये साइन किया है. एंड इट इज फॉर द फर्स्ट टाइम इन 76 ईयर्स दैट हमारी राज्यसभा में किसी वाइस चेयरमैन ने कोई एमओयू साइन किया अपने फॉरेन काउंटर पार्ट के साथ में. ठीक है, किसी और कंट्री के राज्यसभा के वाइस चेयरमैन के साथ में. ऑब्वियसली वहां पे उसको राज्यसभा नहीं कुछ और बोलते होंगे. ठीक है, एंड ये इसलिए किया गया फॉर प्रमोटिंग इंटर पार्लियामेंट्री डायलॉग. ठीक है, तो जिस कंट्री के साथ में साइन किया गया उसकी पार्लियामेंट और हमारी पार्लियामेंट के बीच में एक डायलॉग प्रोसेस हो पाए, जिससे कि जो भी अच्छी प्रैक्टिसेस हैं या किस तरीके से अपनी पार्लियामेंट्री जो प्रैक्टिसेस हैं उसको हम डेवलप कर सकते हैं और इम्प्रूव कर सकते हैं वो सीखी जा सके एक दूसरे से. और ये साइन जो किया गया है वो रवांडा के साथ में किया गया है. एंड इंटरेस्टिंग चीज ये है कि रवांडा में जो पार्लियामेंट है उसमें 60% वुमेन लेजिस्लेचर्स हैं. ठीक है, ऑब्वियसली इंडिया में नहीं है ऐसा. एंड रवांडा इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अभी जो अफ्रीकन यूनियन है, फाइन, अफ्रीकन यूनियन कुछ अफ्रीकन कंट्रीज का मिला के एक यूनियन है, तो ये जो अफ्रीकन यूनियन है इसका जो चेयर है वो इस बार रवांडा के पास में आई है. फाइन, तो इस वजह से रवांडा कंट्री इम्पोर्टेंट हो जाता है. तो ये हो गया इससे रिलेटेड. नेक्स्ट है इसमें इंडिया यूके टू टेक फॉरवर्ड द एक्सचेंज ऑफ लीगल प्रैक्टिशनर्स. दैट मींस कि इंडिया और यूके ने बेसिकली एक काइंड ऑफ अग्रीमेंट, काइंड ऑफ आप कह सकते हो, हमारा जो लॉ एंड जस्टिस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी जो मिनिस्टर्स हैं इन्होंने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर जस्टिस यूके के साथ में एक विजिट किया और साइन किया है. एंड इसमें ये होगा कि जो ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट इसमें नहीं है, बट जो भी लीगल प्रोविजंस दोनों कंट्रीज में हैं
किस तरीके से हैं, कैसे काम करते हैं, इनसे रिलेटेड एक MOU साइन किया गया है, जिससे कि हम भी अपने भाई लॉज में या लीगल जो भी प्रैक्टिसेस हैं हमारी कंट्री में उस पर इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं लीग. तो बेसिकली जो MOU है UK के साथ में, ये है फॉर एनहांसिंग बायलेटरल कोऑपरेशन इन लीगल अफेयर्स एंड विच प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क फॉर प्रमोटिंग ग्रेटर कोऑपरेशन बिटवीन द जुडिशियल एंड लीगल प्रोफेशनल्स इन बोथ कंट्रीज. दोनों ही कंट्रीज के, UK इंडिया के जो लीगल एंड जुडिशियल प्रोफेशनल्स होंगे वो आपस में कोऑपरेट करेंगे, एक दूसरे की एक्सपर्टीज शेयर करेंगे, उससे सीखेंगे. फाइन, तो ये हमने यूके के साथ में साइन किया है. और राज्यसभा का जो MOU हुआ है वो रवांडा के साथ में हुआ है. इसमें नेक्स्ट है दैट अभी एक्चुअली डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर आता है, इन्होंने एक्चुअली एक ईज ऑफ डूइंग इंडेक्स अपना जो है निकाला है. वैसे तो अगर ग्लोबल लेवल पे आप देखो तो जो ईज ऑफ डूइंग इंडेक्स की रिपोर्ट है वो वर्ल्ड बैंक देता है, लेकिन हम अपने नेशनल लेवल पे कंट्री की बात करें तो डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन ने दिया है. एंड इनके अकॉर्डिंगली जो टॉप रैंक्स आई हैं, नंबर वन पे है आंध्र प्रदेश, सेकेंड पे है तेलंगाना एंड तीसरे पे है हरियाणा. फाइन, तो आंध्र और तेलंगाना तो पास पास में याद रह जाएंगे, बट हरियाणा याद में रखना. झारखंड एंड गुजरात फोर्थ एंड फिफ्थ आए हैं, इतना लंबा तक जाने की जरूरत नहीं है, शुरू के तीन याद हो गए काफी है. अब जो ये डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन ने जो इंडेक्स दिया है, ये बेसिकली वर्ल्ड बैंक के साथ में ही कोलैबोरेट किया गया है, इन कोलैबोरेशन विद द वर्ल्ड बैंक कंडक्टेड एन एनुअल रिफॉर्म एक्सरसाइज. सारे स्टेट्स और यूटीज के लिए एक एक्सरसाइज कंडक्ट की गई थी अंडर बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान, जिसमें देखा गया कि कौन सा ऐसा स्टेट है जिसमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो इंक्रीज हो रही है. ओके, नेक्स्ट न्यूज है दैट यूज ऑफ आधार इन आयुष्मान भारत डिजायरेबल नॉट मस्ट. दैट मीन्स कि एक नोटिफिकेशन आया है, आयुष्मान भारत हमें पता है कि बजट में बताया गया था कि ये हेल्थ से रिलेटेड, हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड सेंट्रल सेंटर की स्कीम है. फाइन, अब इसमें इन्होंने ये बोला है कि ऐसा है कि जो आइडेंटिफिकेशन होगा बेनिफिशरीज का इस स्कीम के लिए, ठीक है, उसमें ऐसा जरूरी नहीं है कि आधार कार्ड देना ही होगा, कंपलसरी नहीं होगा. उनके आइडेंटिटी के लिए कोई और भी आइडेंटिटी प्रूफ वैलिड हो सकता है, फॉर एग्जांपल पैन कार्ड, वोटर कार्ड, वट एवर अदर थिंग्स वी हैव. फाइन, तो आप मतलब आधार कार्ड मांग सकते हो, बट आधार कार्ड के बेसिस पे ही आइडेंटिटी को आप ऑथेंटिकेट करोगे, दैट इज नॉट नेसेसरी. फाइन, सो इसलिए इस नोटिफिकेशन में ये बोला गया है दैट यूज ऑफ आधार कार्ड इज प्रेफरेबल. अच्छा होगा कि अगर आधार कार्ड यूज किया जाए, लेकिन इट्स नॉट अ मस्ट, जरूरी नहीं है. फाइन, देर शैल बी नो डिनाइल ऑफ बेनिफिट फॉर वॉन्ट ऑफ आधार नंबर. एनीवे, नेक्स्ट न्यूज है इसमें दैट सिक्स्थ मीटिंग ऑफ ब्रिक्स एजुकेशन मिनिस्टर्स एट केप टाउन. ब्रिक्स के एजुकेशन मिनिस्टर्स, जितनी भी ब्रिक्स नेशंस हैं, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, ठीक है, इनके एजुकेशन मिनिस्टर्स आपस में मिले. एंड इस मीटिंग में इंडिया को जो थीम दी गई थी दैट वाज डिजिटाइजेशन ऑफ एजुकेशन. तो इसके बेसिस पे, क्योंकि इतना कुछ डिजिटाइजेशन से रिलेटेड हमारी कंट्री में चल रहा है, फाइन, तो हमने जो हमारी तरफ से जो रिप्रेजेंटेटिव थे, यूनियन मिनिस्टर फॉर स्टेट फॉर HRD, उन्होंने बताया कि किस तरीके से इंडिया जो है डिजिटाइजेशन ऑफ एजुकेशन में बेसिकली इम्प्रूव कर रहा है, सो दैट एक्सेस ऑफ एजुकेशन हो हर किसी के पास में, हर जगह, हर वक्त. एंड ही सेड कि डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, वो बेसिकली फलक्रम की तरह काम करेगा डिजिटाइजेशन ऑफ एजुकेशन में. जैसे जो तराजू होते हैं ना, लाइक इधर एक ऐसा होता है, एक दो पैंस ऐसे होते हैं, आई एम नॉट एबल टू ड्रॉ लाइक दिस. सो यहाँ पे इनको बैलेंस करने के लिए, यहाँ पे जो एक फलक्रम होता है ना, तो बेसिकली ये बोला गया है कि जो हमारा डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव है ना, वो फलक्रम की तरह काम करेगा, जिसपे कि पूरा ये डिजिटाइजेशन ऑफ एजुकेशन डिपेंड करेगा. नेक्स्ट न्यूज इज, वी हम सबको पता है कि हीमा दास ने गोल्ड जीता है इन 400 मीटर ऑफ वर्ल्ड अंडर 20 चैंपियनशिप. फाइन, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज. नेक्स्ट
इज़ दैट आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इशू करा है ऑर्डर जिसके बेसिस पे फोटोग्राफी जो है वो अलाउ कर दी गई है विद इन द प्रिमाइसिस ऑफ सेंट्रली प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स. जो कुछ मॉन्यूमेंट्स सेंट्रली प्रोटेक्टेड होते हैं पहले वहाँ पे फोटोग्राफी अलाउड नहीं थी, लेकिन अब आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने वहाँ पे अलाउ कर दिया है एंड आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर आता है. लेकिन जो ये अलाउ किया गया है 3 साइट्स पे ये अलाउ नहीं किया गया है. अब कहाँ कहाँ अलाउ किया गया है दैट इज नॉट आर कंसर्न, कहाँ नहीं किया गया है ये याद रखना है. और वो 3 साइट्स कौन सी हैं? एक तो अजंता केव्स महाराष्ट्र में, फाइन. सेकेंड इज लेह पैलेस की जो लेह पैलेस में जो पेंटिंग्स हैं वहां पे, तो अजंता केव्स, लेह पैलेस पेंटिंग्स एंड मसोलियम ऑफ ताजमहल आगरा. ओके, ताजमहल में के अंदर आगरा में इन 3 जगह पे ये फोटोग्राफी अलाउ नहीं की गई है. नेक्स्ट, चैंपियन सर्विसेज सेक्टर. अब ये कौन से सेक्टर्स हैं चैंपियन सर्विसेज? सी, हमें पता है कि कौन सा ऐसा सेक्टर है जो आगे चलता है एग्रीकल्चर या मैन्युफैक्चरिंग के कंपैरिजन में. मोस्ट ऑफ द टाइम सर्विसेज सेक्टर. ओके, सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट जीडीपी वो सर्विसेज सेक्टर करता है. तो ये जो प्रपोजल है डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स लेकर आए हैं सो दैट हम ऐसे 12 चैंपियन सर्विसेज सेक्टर पे फोकस करें, मतलब ऐसे सर्विस सेक्टर जो कि जिनको हमें फोकस करना चाहिए जिससे कि डेवलपमेंट भी हो और उन सेक्टर्स का जो पोटेंशियल है वो भी हम रियलाइज कर पाएं. तो ऐसे कौन से 12 सेक्टर्स इन्होंने इंक्लूड किए हैं? जैसे कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सर्विसेज, देन टूरिज्म भी तो सर्विस सेक्टर में आता है, टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज, मेडिकल वैल्यू ट्रैवल ट्रांसपोर्ट लॉजिस्टिक सर्विसेज, अकाउंटिंग एंड फिनेंस, ऑडियो वीडियो विजुअल सर्विसेज, लीगल सर्विसेज, कम्युनिकेशन सर्विसेज, कंस्ट्रक्शन एंड रिलेटेड इंजीनियरिंग सर्विसेज, एनवायरमेंटल सर्विसेज, फाइनेंशियल एंड एजुकेशन सर्विसेज. एंड इसकी हेल्प से क्या होगा कि इंडिया की जो सर्विस सेक्टर है उसका भी कॉम्पिटिटिवनेस इम्प्रूव होगा और इंडिया में और ज़्यादा, क्योंकि जब वो डेवलप होंगी तो जॉब्स क्रिएट होंगी एंड उससे वो जीडीपी में कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे, फाइन. तो ये था चैम्पियन सर्विस सेक्टर. उसके अलावा एक चीज़ है ये नमस्या, ठीक है. नमस्या क्या है? नैल्को, माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज योगा आयोग, योगा आयोग एप्लीकेशन. बेसिकली ये नैल्को ने डिज़ाइन किया है, ठीक है. ये नैल्को एक नवरत्न जो है पीएसयू आता है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ माइंस एंड इस मोबाइल ऐप के थ्रू एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया गया है जिससे कि माइक्रो एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज अपने बिजनेस को कैरी आउट कर पाए. इतना इम्पोर्टेंट मुझे नहीं लगा बट फिर भी, ठीक है. नेक्स्ट है कि पीएम ने फाउंडेशन रखी किसकी? पूर्वांचल एक्सप्रेस हाईवे की. एंड अब क्वेश्चन उठता है ये पूर्वांचल एक्सप्रेस हाईवे कहाँ है? ये है आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में, फाइन. तो प्राइम मिनिस्टर लेट द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द पूर्वांचल एक्सप्रेस वे इन आजमगढ़ इन यूपी एंड ये 340 किलोमीटर लॉन्ग पूर्वांचल एक्सप्रेस वे है जो कि ऑब्वियसली एक्सप्रेस वे है तो टाउन्स एंड सिटीज को ट्रांसफॉर्म करेगा जहां से ये पास होगा एंड कनेक्टिविटी इससे इम्प्रूव हो जाएगी दिल्ली और गाजीपुर के बीच में, ठीक है. नेक्स्ट इसमें है बाणसागर कैनाल प्रोजेक्ट टू द नेशन. क्या है ये बाणसागर कैनाल प्रोजेक्ट टू द नेशन और ये कहाँ पे है? सी, बाणसागर कैनाल जो ये प्रोजेक्ट है ये मिर्जापुर में है, ठीक है. एंड ऑब्वियसली मिर्जापुर यूपी में है. तो ये प्रोजेक्ट से एक बहुत बूस्ट मिलेगा इरिगेशन को इस रीजन में एंड जो मिर्जापुर और अलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट जो है यूपी के, यहाँ के जो फार्मर्स हैं उनको हेल्प होगी. तो आप नाम याद रखिएगा बाणसागर कैनाल प्रोजेक्ट, ठीक है. एंड और ये जो प्रोजेक्ट है दिस वाज मेड अ पार्ट ऑफ द प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना एंड ऑल एफर्ट्स वर मेड टू कम्प्लीट इट एज अर्ली एज पॉसिबल. प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जिसके अंदर हमारी कंट्री में जो इरिगेशन फैसिलिटीज हैं, जो एरियाज जहां इरिगेशन फैसिलिटीज नहीं है उनको एक्चुअली इरिगेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड करने का काम इसमें होता है, ठीक है. पूरा स्कीम जाके आप पढ़ लीजिएगा एक बार नेट पे, बट अभी हम पीआईबी पे फोकस करते हैं बाणसागर कैनाल प्रोजेक्ट. नेक्स्ट है एशिया पैसिफिक रीजन ऑफ वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन, फाइन. सो ये क्या है? सी, इंडिया जो है वो वाइस चेयर बन गया है, रीजनल हेड बन गया है इसका एशिया पैसिफिक रीजन ऑफ वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन का 2 साल के लिए. एक्चुअली ये जो वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन है
इसने क्या कर रखा है कि अपनी जो मेंबरशिप है उसको 6 रीजन्स में डिवाइड किया हुआ है एंड हर एक रीजन में एक ऑब्वियसली उसका वाइस चेयरमैन होता है. तो अब क्योंकि इंडिया एशिया पैसिफिक रीजन वाला जो रीजन है उसका वाइस चेयरमैन बन गया है, तो इससे इंडिया को एक अपॉर्चुनिटी मिली है एक लीडरशिप रोल प्ले करने के लिए. एंड इंडिया को एक्सपीरियंस भी होगा कि किस तरीके से सिक्योरिटी और फैसिलिटेशन होगा क्रॉस बॉर्डर ट्रेड का, क्योंकि कस्टम्स की बात हुई है ना, तो कस्टम्स कहाँ पे यूज होता है जब क्रॉस बॉर्डर एक्सपोर्ट इम्पोर्ट होता है, तो क्रॉस बॉर्डर जब ट्रेड होता है तो वहाँ कैसे सिक्योरिटी प्रोवाइड करी जाए, किस तरीके से उस क्रॉस बॉर्डर ट्रेड को फैसिलिटेट किया जाए, वो सारी चीज़ें इंडिया इससे सीखेगा. तो ये थे लास्ट वीक के PIB. नेक्स्ट वीक के PIB हम नेक्स्ट संडे या मंडे में लेकर आएंगे. सो थैंक यू.